सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल पीजी पिंग में अनुश्री। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए। हम करने वाले हैं सिंपल सोबर सटल मेकअप लुक, जो आप किसी भी पार्टी फंक्शन में, किसी भी सिंपल ओकेजन के लिए कर सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी स्किन को प्रेप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे टोनर। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना मूव ऑन करेंगे मॉइस्चराइज़र पे। कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट करता है, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है। और चलिए अब आगे चलते हैं, इसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लेंगे। देन अब हम मूव ऑन करते हैं प्राइमर पे। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे इनसाइड का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जो कि हमारे पोर्स को फिल इन कर देगा और अच्छे से हमारे लिए एक बेस प्रिपेयर करेगा, ताकि हम एक फाउंडेशन की जो लेयर लगाएंगे वो बहुत अच्छी हमारी लगेगी यहाँ पे। तो अच्छे से पूरे फेस पे लगा लें और एक मिनट के लिए इसको छोड़। अब मूव ऑन करते हैं फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन के लिए भी मैं आज यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड का फाउंडेशन। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, सेकेंड स्किन इसका नाम है। वैसे ही बहुत ज़्यादा सुपर लाइट है ये। और अब मैं अपने जो वेट स्पॉन्ज को था मेरा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फिक्सर लगाऊंगी, ताकि मेरा जो बेस है वो एक प्रॉपर बेस बने और समर प्रूफ और स्वेट प्रूफ बन जाए और जल्दी से निकले ना। तो पहले मैंने फाउंडेशन की एक लेयर लगाई है, आप देख सकते हैं पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया है अच्छे से। अब मैं सेकंड लेयर भी लगा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेयर मुझे थोड़ी कम लग रही थी कवरेज, तो इसके लिए। तो अच्छे से पूरे फेस पे अपने स्प्रेड कर लेंगे इसको भी। और आप देख सकते हैं ये मैंने लगा लिया है। अब मूव ऑन करते हैं पाउडर पे। तो पाउडर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पर्पल का पाउडर, और इसी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं पाउडर लगाऊंगी और अपनी स्किन में प्रेस करती जाऊंगी। प्रेस करने से क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है वो इधर से उधर नहीं होगा, और दूसरी बात तो एक जगह पर सेट हो जाएगा। तो ये हमने लगा लिया है, और डोंट फॉरगेट योर नेक, नेक पे लगा लेंगे। अब देन उसके बाद अब मैं लगाऊंगी अपना ब्लश। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी आपको यहाँ पे इसकी इमेज लगा दूँगी, एक्चुअली मैं दिखाना भूल गई अपने वीडियो में। सो पहले लगा लेते हैं ब्लश ऑन। ब्लश ऑन लगा लिया है, तो पता ही नहीं, चलो सटल मेकअप होने वाला है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होगा और आप डे में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। आपका छोटा मोटा कोई ओकेजन आप उस पर कर सकते हैं, इसको हैवी नहीं है, सिंपल है। अब लगा लेते हैं ब्रॉन्जर। तो ब्रॉन्जर भी मैं उसमें से ही लेके लगाऊंगी, और काफ़ी अच्छी वर्सटाइल पैलेट है वो, आप सभी ने देखी होगी, मैंने काफ़ी बार दिखाई है। थोड़ा सा नोज़ को कॉन्टोर कर लेते हैं, एंड अब हम अपना मूव ऑन करेंगे आई शेडो। बताए आई शेडो के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे मार्स के आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैं ये ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज पे बिल्ड करूँगी अच्छे से। बहुत ही सिंपल आई मेकअप होने वाला है, जो कि आपका 2 मिनट में दोनों आईज पे हो जाएगा। बस पूरी क्रीज पे इसको बिल्ड कर देंगे ब्राउन शेड को दोनों आईज की, और इसके बाद एक फ्लैट टॉप ब्रश लेके, फ्लैट जो ब्रशेज होते हैं उससे मैं जो इसके अंदर एक शिमरी कलर मैंने जाके आपको दिखाया था वो मैं अप्लाई कर लूँगी। चाहे तो आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रश से अप्लाई करा है। तो आप देखेंगे काफ़ी सुंदर सी शीनेक आ रही है। और अब हम लगा लेंगे काजल। तो काजल को मैं अपनी वाटर लाइन में और अपर लाइन में दोनों में लगाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अपर लैश लाइन में आपको वो जेल, वो आपका काजल कैसे लगाना है। आप देख सकते हैं ऐसे किसी ब्रश शीट की हेल्प से आप पकड़ सकते हैं अपनी अपर वाटर लाइन को, एंड देन उसके बाद अपना कोई भी काजल अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है लगाना। और अब हम अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अपना ब्राउन शेड से ही हल्का सा स्मोक अप करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आई मेकअप हमारा सिंपल सोबर सटल निकल के आया है, दोनों आईज पे कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। तो मूव ऑन करते हैं अपने लाइनर पे। तो यहाँ पे मैं इनसाइड का पेन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लाइनर है ये। बस इसका एक ही मिस पॉइंट है कि जो इसकी टिप है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो लाइनर आपका फैल जाता है। तो आपको मेक श्योर बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको अप्लाई करना है, वरना ये आपका पूरा आई मेकअप और पूरा फेस का मेकअप ख़राब कर देगा। और आज मैंने नई तरीके से लाइनर लगाया है, हल्का सा छोटा सा विंग बनाते हुए मैं उसको अपनी लोअर लैश लाइन के साथ मर्ज करूँगी। आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे आगे लोअर लैश लाइन पर भी हल्का सा लाइनर लगाऊँगी मैं आउटर कॉर्नर पर बस, और आपस में दोनों को मर्ज कर दूँगी। तो काफ़ी एक सुंदर सा इफेक्ट क्रिएट होगा, इससे हमारी आँखें बड़ी बड़ी लगेंगी। देख सकते हैं दोनों आईज पे आपको ऐसे ही कर लेना है, बहुत ही सिंपल और इजी है। अब सेकेंड आई पे भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड आई पे भी।
सो आप देख सकते हैं सेकेंड आई डी मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। अब हम मूव ऑन करेंगे हाइलाइटर पे। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ NYB का हाइलाइटर। बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है ये, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सटा लगता है। आप इसको चाहे बिल्ड करके हैवी भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं बहुत सिंपल सोबर सा लगाऊंगी। अभी मुझे हल्की सी पिगमेंटेशन इसकी कम लग रही है, मैं थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी ताकि एक हाईलाइटिंग इफेक्ट काफ़ी सुंदर सा आए हमारे फेस पे। और अब कर लेते हैं अपने लिप्स को लाइन। तो मैं यहाँ पे लिप्स लाइन करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। काफ़ी सुंदर सा पर्पलिश काइंड ऑफ शेड है ये, पर्पल और मजेंटा का कुछ मिक्सअप है। और अपने लिप्स को लाइन करते हुए मैं आउटर पे दोनों लिप्स पे, अपने अपर वाले पे भी और लोअर वाले पे भी, दोनों पे थोड़ा थोड़ा सा अपना लिप्स ये जो लाइनर है उसको मर्ज कर लूँगी। आप देख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि मैं आज ओम्ब्रे लिप्स अपने करने वाली हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक मैट शेड लेके, मैट लिक्विड और बहुत ज़्यादा न्यूड में है ये, लाइट न्यूड काइंड ऑफ, उसको अप्लाई करूँगी सेंटर में। और दोनों को आपस में फिंगर की हेल्प से पहले मैं मर्ज कर लूँगी। आप देख सकते हैं कैसे आपको मर्ज करना है ताकि दोनों के दोनों लिपस्टिक हमारे मिक्सअप हो जाएं। आप देख सकते हैं। देन इसके बाद मैं हल्का सा कंसीलर लेके बीच में एक डॉट लगाऊंगी और पूरे लिप्स पे अपने स्प्रेड करते हुए दोनों लिप्स को अच्छे से मिक्सअप करूँगी लिपस्टिक के साथ इस कंसीलर को। तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर लिप शेड हमारा निकल के आएगा। आप इसको हेड भी बोल सकते हैं। और अब अपनी कर लेते हैं आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए यूज़ करने वाली मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेन। बहुत ही बढ़िया आईब्रो पेन है ये। पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब सिम है, बहुत ज़्यादा कम है। बट मेक श्योर ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन्होंने मेकअप करना स्टार्ट करा है, क्योंकि इससे हमारी आईब्रोज मैसी नहीं होती बिल्कुल भी। अब लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्रिसीजन मस्कारा। काफ़ी अच्छा मस्कारा है। और अच्छे से अपनी अपर लैश लाइन को, लोअर लैश लाइन को मैं कोट करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन मैं इसके बाद एक हैक यूज़ करूँगी यहाँ पे। मैं क्या करूँगी, जो हमारा आई लैश कर्लर होता है उसको मस्कारा लगाने के बाद अपनी आई लैश को उससे कर्ल करूँगी। तो आप देखेंगे आई लैश आपकी बहुत सुंदर कर्ल हो जाएंगी। अगर आप पहले करते हैं और बाद में मस्कारा लगाते हैं तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। अभी आप देखेंगे काफ़ी सुंदर आई लैश मेरी यहाँ पर लगेंगी एकदम सही, काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये हो चुका है हमारा। अब कर लेते हैं अपने मेकअप को सेट यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इनसाइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे। काफ़ी अच्छा सेटिंग स्प्रे है ये, बहुत अच्छे से अपने मेकअप को लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स कर देता है। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक गाइस। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल सोबर सटल मेकअप लुक है ये। आप इसको इंडियन पे, वेस्टर्न पे, जिस पे चाहे उस पे भी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज़।